एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है हमको कि आपके पास एक रोड रोलर है और रोड रोलर ऐसा है कि उसका जो डायमीटर है वो डायमीटर आपको दिया है 84 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है, सॉरी, डायमीटर उसने दिया है 84 सेंटीमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 84 सेंटीमीटर। अब अगर ये डायमीटर है तो इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 84/2 हो जाएगा। अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 4 8 42 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपको लेंथ दिया है 120 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो यहाँ पर हाइट के सेंस में काम आएगा, हाइट जो हो जाएगा 120 सेंटीमीटर है। तो इसको और डायमीटर को यानी कि रेडियस को, ये दोनों चीज़ें आपके पास है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। मतलब प्लेग्राउंड को अगर उसको कवर करना हो तो 500 रेवोल्यूशन करना पड़ता है। रेवोल्यूशन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर एक राउंड वो घूम रहा है तो एक राउंड घूमने का मतलब क्या हुआ? एक राउंड घूमने का मतलब हुआ कि वो अपने सी एस ए को कवर कर रहा है। सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया को जब वो कवर कर रहा है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक राउंड जो है वो 2 पाई आर एच के इक्वल है, जो कि कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है। अब ये आपको मिल गया तो आप क्या करिए, इसको वैल्यूज़ जो आपके पास हैं उनको पुट अप कर दीजिए। वैल्यूज़ क्या क्या हैं अपने पास? अपने पास जो है वो है आपका रेडियस और आपके पास हाइट। तो 2 की जगह 2 पुट करिए, पाई की जगह 22/7 पुट करिए और आर की जगह आपको 42 पुट करना है, लेकिन 42 है सेंटीमीटर में। अब अगर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो मीटर में आंसर मांग रहा है। तो जब वो आंसर मीटर में मांग रहा है तो बेटर है कि हम यहीं पर उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए आप 42 को अपान 100 कर दें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइट आपकी है 120, तो इस 120 को भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दें क्योंकि वो भी सेंटीमीटर में ही दिया है। तो ये दो कन्वर्सन के बाद आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से हो जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो बन रहा है आपके पास वो एक राउंड का है। अब अपने को निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। अब एरिया प्ले ग्राउंड हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इज इक्वल टू 500 इंटू सी एस ए, क्योंकि 500 बार उसको घुमाना है ना आपको। आपका जो टोटल रेवोल्यूशन हो रहा है वो 500 बार हो रहा है, 500 टाइम्स हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करके देखते हैं। 500 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 42/100 इंटू 120/100। ठीक है, ये 100 के 2 0 मैं काट देता हूँ इस 500 से, और इस 5 से कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको, तो ये 20 हो जाएगा। इस 20 का 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ मैं 6 टाइम 12 से। 7 को मैं कैंसिल कर देता हूँ 6 टाइम 42 से। तो मेरे पास जो फाइनल नंबर्स बच रहे हैं वो है 2 × 22 × 6 × 6। अब मेरा काम केवल इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 22 × 6 × 6। जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 × 22 = 44 हो जाएगा। और फिर चाहें तो 6 36 कर लें और इनको मल्टीप्लाई कर दें। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको एक और तरीका यहाँ पे सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो, अदरवाइज आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता कि जो 44 है उसको 4 × 11 करता और × 36 करता। अब 4 × 36 मल्टीप्लाई कर देता, 4 × 6 = 24 हो जाता, बचता 2 × 4 = 12 और 2 = 14, 144। फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करता जो मेरे लिए आसान होता। 4 × 4 = 8, 4 × 1 = 5 और 1, 14 1584 मेरा आंसर आ जाता है इसमें। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ। आप चाहें तो 44 × 36 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है, आंसर वही देगा जो यहाँ आया है। चाहें तो आप चेक कर लें 1584।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में। बस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत थी, आप अंडरस्टैंडिंग अगर सही है आपकी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।